दोस्तों अगर आप वन एक्स बेट पे बैटिंग करते हैं तो दोस्तों आप ये गलती कभी मत करना, नहीं तो दोस्तों आपका विड्रॉल अमाउंट कभी भी नहीं मिलेगा और दोस्तों आपका सारा अमाउंट लॉस हो सकता है। क्या गलती है जानने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन बैटिंग में लॉस चल रहे हैं दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां दोस्तों मैं बहुत सारा विनिंग कॉल देता हूं जिससे दोस्तों आप सारा लॉस रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं लगभग सारा बेट विन कराया हूं। अगर आप ऐसे विन करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। दोस्तों अगर आप ऑनएक्स बेट में लगातार विड्रॉल किए होंगे तो दोस्तों आपके साथ ये प्रॉब्लम आया होगा। दोस्तों अगर आप नहीं किए हैं विड्रॉल करने वाले हैं तो भी दोस्तों आपके साथ ये प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें कि आपके विड्रॉल अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया होगा, वापस आपके वन एक्स बेट के वॉलेट में आ गया होगा। आखिर क्या गलती करते हैं जिससे विड्रॉल अमाउंट बैंक अकाउंट में नहीं आता है? दोस्तों अगर आप वन एक्स बेट में कम डिपोजिट करके ज्यादा विन कर जाते हैं उसके बाद दोस्तों अगर आप विड्रॉल करते हैं तो आपका विड्रॉल नहीं दिया जाता है, वापस दोस्तों वन एक्स बेट के वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और दोस्तों टेक्निकल एरर या फिर प्रोसेसिंग एरर बताया जाता है। जैसे कि दोस्तों अगर आप 1000 रुपया डिपोजिट किए हैं और 11000 रुपया विन कर चुके हैं उसके बाद दोस्तों 1000 रख के आप 10000 विड्रॉल करते हैं तो आपको विड्रॉल अमाउंट मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों जो आप 1000 रखे हैं उससे आप फिर से 10000 कर जाते हैं, उसके बाद दोस्तों अगर आप 10000 का विड्रॉल मारते हैं तो वो विड्रॉल आपको नहीं दिया जाएगा, रीजन प्रोसेसिंग एरर या फिर टेक्निकल एरर बताया जाएगा। दोस्तों इसका सोल्यूशन यही है कि आप सारा अमाउंट विड्रॉल कर लें। जैसे कि दोस्तों अगर आप 1000 डिपोजिट करके 11000 विन कर चुके हैं तो 11000 का 11000 सारा विड्रॉल मार लें, उसके बाद दोस्तों जब तक आपको विड्रॉल अमाउंट नहीं मिलता है तब तक आप दूसरे आईडी पे डिपोजिट करके वहां खेल सकते हैं। दोस्तों कभी भी आप ये गलती ना करें कि आप कम डिपॉजिट किए हैं और लगातार विन किए जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इकट्ठा जब बहुत ज्यादा विन कर जाएंगे तब विड्रॉल करेंगे तो दोस्तों आपको विड्रॉल में प्रॉब्लम आ सकता है। जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट किए हैं उससे जैसे ही 10x आप विन कर चुके हैं तो सारा अमाउंट विड्रॉल करते जाएं और फिर से डिपॉजिट करके खेल सकते हैं। दोस्तों ये था कुछ टिप्स, उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।